सांवरे इतना तो कह किस से जाकर हम कहें सांवरे इतना तो कह किस से जाकर हम कहें आपके होते कन्हैया आपके होते कन्हैया दास क्यों दुखड़े सहे किसी से मत कहना किसी से मत कहना अपने दिल की बात कहना तो सिर्फ सांवरे से क्योंकि आधी रात को 3 बजे भी आएगा जिसको अपना सुना सुन समझ कर अपनी बात बताओगे वो दिन में 3 बजे सरेआम सीने में खंजर मार जाएगा लेकिन ये रात को 3 बजे भी लगे हुए जख्म पर मलम लगाने के लिए आ जाए इसी के सामने दोनों भुजाओं को उठाकर जब भी कोई संकट आए सिर्फ इतना कहना आपके होते कन्हैया दास क्यों दुखड़े सहे सांवरे इतना करोगे पुकार कौन कौन करेगा पुकार किनके किनके हाथों में दर्द नहीं है पूरे हाथ आधे मत उठाना कसम से अरदास भाव है कसम से और कसम श्याम बाबा की सुनेगा पुकार इन दोनों हाथों को देख लेगा इन दोनों हाथों को देख लेगा ना हर हाथ में अलग लकीर है दोनों जैसे चेहरे चेहरे तो फिर भी मिल जाते हैं प्रेमियों दो भाई एक जैसे मिलते हैं पहचानना मुश्किल हो जाता माँ को कि राम कौन है और श्याम कौन है लेकिन ये लकीरें हर इंसान की बाबा ने अलग बनाई है हर इंसान ये दोनों हाथों को उठावे उठा हुआ देख ले गया एक एक लकीरें मेरे बाबा के चेहरे में आंखों में छप जाएगी और जब आपको दरकार होगी इन हाथों को उठाकर जो बाबा पर कर्जा चढ़ाया है इस कर्जे को उतारने के लिए कोई नहीं आएगा मेरा श्याम जरूर आएगा पूरे हाथ उठाना और जोरदार तालियां बजाकर बोलना सांवरे Okay.
लेना देना आप ही से, बस यही मुझे ज्ञान है। लेना देना आप ही से, बस यही मुझे ज्ञान है। आपने आंखें चुराई, आपने आंखें चुराई, समझ के करना आपकी ताली बाबा सुन ले, कहना बाबा से गर हुई गलती कन्हैया माफ कर मेरी खता।
मुझे इंतजार साब रही है, तेरी नजर का मुझे इंतजार साब रही है, तेरी नजर का मुझे इंतजार साब रही है, तेरी नजर का मुझे इंतजार साब रही है, सिर्फ एक इंतजार है तेरी नजरों का। तालियां बजाओ। आज दो युग आपको नजर आ रहे हैं ना, एक द्वापर और एक कलयुग। तालियां बजाओ। ये जो कन्हैया सामने लगा है ना, 50 साल से सेवा हो रही है, तालियां बजाना। और चरणों में जो द्वापर युग बैठा है श्याम, 2 साल से श्याम विराजमान है घर में। ये जो बाबा के नीचे शीश की छवि है ना, 2 साल भी नहीं बल्कि भाई साहब महाराज 4 साल हो गए इस बात। तालियां बजाओ। 4 साल पहले जयपुर में गए हम मूर्तिकार के पास, ज्यादा नहीं, कि बाबा की छवि बनानी है, हमें नहीं मालूम कि क्या करना है। तालियां बजाओ ना। जब इसकी मर्जी जो होता है वही होता है प्रेमी। जयपुर के कृष्णा 7 शीश की छवि बनाई, 7। हर बार जाते नहीं, थोड़ा सा और चेंज, 7वीं छवि ये मिली। और इनकी सेवा लायक मुकुट बने, किरण बने, कुंडल बने। तालियां बजाना। 5 साल तक नहीं बने, 4 साल तक नहीं बने, बाबा को भी इंतजार था, रथ चलेगा तो पहली बार वहां उस दरबार में निशानों के साथ बैठूंगा जाकर। 1,00,000 सिर पटक लिया, 1,00,000 घोड़े दौड़ा लिए, कि खाटू में कीर्तन वहीं से शुरू करेंगे बाबा की इसी छवि को लगाकर। लेकिन ये महाराज डटकर बैठा था, मैं लगूंगा तो कला भवन के प्रांगण में लगूंगा और यहां पर उस छवि के नीचे विराजमान होऊंगा जो 50 सालों से लगी हुई है। विधान गार्डन में भी आपने ये चमत्कार देखा, विधान गार्डन में भी बाबा इनके चरणों में बैठा था। कोई परिकल्पना नहीं थी, अपने आप श्रृंगार वैसा ही होता चला गया। और आज भी बाबा का श्रृंगार होने में देर हो रही थी, देर नहीं हो रही थी, ये देर करवा रहा था, क्योंकि अगर ये 4 बजे श्रृंगार करके बैठ जाता तो मालियों को यही कहा गया था कि शीश की छवि ऊपर लगेगी और जो तस्वीर 50 साल से सेवा में है वो ऊपर कला भवन में ऊपर कमरे में ही लगी रहेगी, वहीं पर श्रृंगार कर देंगे। लेकिन ये छवि बोली, ये बाबा बोला कि मैं तेरे चरणों में बैठूंगा और ये बाबा बोला तू मेरी गोद में बैठेगा। 8 बजे बाबा आए, तब तक ये ऊपर वाली छवि यहां लग गई और बाबा चरणों में और गोदी में आकर बैठ गए। हमारे हाथ में कुछ नहीं प्रेमी,
न बनाना न बिगाड़ना। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने किसी को बना दिया तो समझ लो कि हमसे बड़ा मूर्ख नहीं, और अगर हम ये सोचते हैं कि हम किसी का बिगाड़ देंगे तो समझ लो हमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं। लेकिन बाबा से कहा, बाबा गर हंसा हम पे सावरिया आ
बुलहारे के